जितनी आम आदमी की होनी चाहिए। आम आदमी से मेरा ताल्लुक आम आदमी पार्टी से नहीं है। आजकल बड़ा मुश्किल हो गया आम आदमी बोलो तो लोग पार्टी समझ जाते हैं। दोनों में बड़ा फर्क है सर। अभी बहुत इंटरेस्टिंग चीजें कहूंगा, तंज भी करूंगा तो प्यार से। जहां डबल का एक इंजन बदल गया वो ट्रबल इंजन बनाने की कोशिश होती है। सर ये बिहार के अपमान का प्रश्न है। पीयूष जी मैं हाथ जोड़ता हूँ, अब आप मुझ पे टिप्पणी कर ले, मेरे राज्य बिहार पे टिप्पणी ना कर। ये कौन महापुरुष लोग थे जिन्होंने डबल इंजन शब्द का आविष्कार किया? सर अगर ये इतनी इतनी डिजायरेबल चीज होती ना तो संविधान सभा की बैठकों में भी डबल इंजन की बात हुआ करती। मेरी आस्था मेरा धर्म है, लेकिन मेरी जिंदगी चलेगी रोजी रोटी से, उसके लिए क्या व्यवस्था की? सर मालिक तेरी रजा रहे या तू ही तू रहे, बाकी ना मैं रहूं ना मेरी आरजू रहे। थैंक यू ऑनरेबल चेयरमैन सर। सर एक ऐसे दौर में माननीय सभापति महोदय जब कई लोग आपको 1000 साल पहले इतिहास में ले जाते हैं, 500 साल पहले ले जाते हैं, मैं सदस्यों का आपका ध्यान 58 वर्ष पूर्व इस लोकसभा में वित्त मंत्री थे टीटी कृष्णामाचारी और प्रोफेसर हीरेन मुखर्जी इसी तरह के एक मसले पे बोलने खड़े हुए, जो उन्होंने कृष्णामाचारी के बरक्स कहा मैं मैडम फाइनेंस मिनिस्टर के समक्ष रखता हूं। द फाइनेंस मिनिस्टर इज अ पर्सन विथ होम वी आर फेमिलियर ऑल ऑफ अस आर, वी आर वेरी अप्रिसिएटिव ऑफ हर टैलेंट्स। मैंने पैराफ्रेज किया सर, ही वॉज हिज, बट आई फील शी इज टू ओपिनियनेटेड। होल्डिंग एन ओपिनियन एंड बीइंग ओपिनियनेटेड आर टू डिफरेंट थिंग्स। देन ही कोट्स, वो ये भी कहते हैं, आई आस्क द एफएम टू डिस्कार्ड पेरिलियस कैज्युटरीज। देन ही साइट्स प्रोफेसर टॉनी एंड सेज दैट यू कैन पील एन अनियन लीफ बाय लीफ बट यू कैन नॉट स्किन अ लाइव टाइगर पॉ बाय पॉ। And he is making this reference with respect to the softness of the finance minister for corporate houses, big capital, huge global capital. So, मेरा एक अक्सर सर ये बिहार के अपमान का प्रश्न है। पीयूष जी मैं हाथ जोड़ता हूं, अब आप मुझ पे टिप्पणी कर ले, मेरे राज्य बिहार पे टिप्पणी ना कर। एनीवे अर्थशास्त्र, बजट पे पहले भी बात हुई है माननीय वित्त मंत्री साहिबा से, अर्थशास्त्र का सामाजिक पहलू या दायित्व है या नहीं है, यह प्रश्न मैं सदन के लिए छोड़ता हूं। क्योंकि अर्थशास्त्र अगर आसमान में टंगी ख्वाहिशों को जमीन के लोग नहीं देख पाए तो बड़ा मुश्किल होगा सर। अब एक मुझे चीज समझ में नहीं आती है कि यह कौन महापुरुष लोग थे जिन्होंने डबल इंजन शब्द का आविष्कार किया। सर अगर ये इतनी इतनी डिजायरेबल चीज होती ना तो संविधान सभा की बैठकों में भी डबल इंजन की बात हुआ करती कि हां साहब पूरे देश में डबल इंजन होना चाहिए। कांग्रेस की ह्यूज मेजोरिटी थी, कभी डबल इंजन की पैरोकार नहीं बनी, लेकिन आजकल डबल इंजन चलता है। जहां डबल का एक इंजन बदल गया वो ट्रबल इंजन बनाने की कोशिश होती है। ये चिंता का विषय सिर्फ इस पक्ष को नहीं, इस पक्ष को नहीं है। अभी बहुत इंटरेस्टिंग चीजें कहूंगा, तंज भी करूंगा तो प्यार से। सर एयरपोर्ट से आते वक्त परसों इंदौर से मैंने देखा मदर ऑफ डेमोक्रेसी होस्ट G20, बहुत अच्छा लगा, यह सबके लिए गर्व का क्षण है। लेकिन सर ये मां बीमार चल रही है, ये मां हमारी बीमार चल रही है, दुखी भी चल रही है, और उसके दुखी होने का कारण है कि इस मां के लिए जिसके बच्चे किसान भी हैं और सरहद पे खड़ा जवान भी है, ना वो महफूज है, ना किसान महफूज है, ना देश का श्रमिक महफूज है, ना युवा महफूज है। तो मां तभी प्रसन्न होगी ना सर जब बच्चे प्रसन्न रहे। ऐसा तो नहीं होगा ना कि बच्चे ना खुश हैं, बच्चे परेशान हाल है और मां खुश है। सर सर मैम फाइनेंस मिनिस्टर कार चलाती होंगी या कार में बैठती होंगी, सर कार में एक रियर व्यू मिरर होता है जिसमें अक्सर यह लिखा रहता है ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। तो मैं अपनी 3-4-5 मिनट में
मैं उन ऑब्जेक्ट्स का जो सब्जेक्ट से है उस मिरर पे मैं कहूंगा कि मैं माननीय वित्त मंत्री साहिबा को आपके माध्यम से रियर व्यू मिरर में जो वो कुछ चीजें नहीं देख पा रही हैं या उन्हें देखने नहीं दिया जा रहा है उस पर मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करूं। सर, गरीबी का आंकड़ा 2011 से हमारे पास नहीं है, गुर्बत है कि बढ़ती जा रही है, गरीबी बढ़ती जा रही है हर क्षेत्र में, हर राज्य में। आप देखेंगे सर, घड़ी मत देखिए, हाथ जोड़ रहा, आप घड़ी देखते हैं मेरी बूढ़ी घड़ी आनी शुरू हो जाती है। सर, मैं ये कह रहा हूं कि गरीबी को लेकर के कल भी एक सदस्य, सीनियर सदस्य हैं, यहां भले सीनियर ना हो, बिहार के बहुत सीनियर हैं, उन्होंने जब गरीबी से ऊपर उठाने की बात कही तो सारे वो आंकड़े दिए जो 2005-06 वाले थे। खैर, बहरहाल मैं छोड़ता हूं उस बात को। सर, कॉर्पोरेट को रियायत से मुझे कोई विभेद नहीं है, हमारे कई साथियों ने उस पर तंज किया, व्यंग किया, लांछन लगाए, मैं वैसा कुछ नहीं करूंगा। मेरा मानना है कि अगर जिंदगी आंसुओं में सरोवर ना हो तो वित्त मंत्री कॉर्पोरेट की उतनी ही चिंता करें जितनी आम आदमी की होनी चाहिए। आम आदमी से मेरा ताल्लुक आम आदमी पार्टी से नहीं है, आजकल बड़ा मुश्किल हो गया आम आदमी बोलो तो लोग पार्टी समझ जाते हैं, दोनों में बड़ा फर्क है सर। एनीवे, सर, न्यूनतम मजदूरी, आपने इतनी रियायतें दी लाखों की, मुझे कोई परेशानी नहीं, लेकिन न्यूनतम मजदूरी 178 रुपए पे टिकी हुई है सर, $2 या $2.25, क्या ये उचित है इस देश में? क्या ये उचित है? मैं आप पे, आपके और सदन के विजडम पे छोड़ता हूं। महंगाई के आंकड़े की जब बात होती है, तेरे वाले में ऐसा था, मेरे वाले में ऐसा था, सर ये नहीं होना चाहिए। महंगाई की चर्चा तेरा मेरा के डिबेट में ना हो, महंगाई की चर्चा हो कि गरीब की थाली में महंगाई का असर क्या है, रोटियां कितनी कम हो रही है, सब्जी कौन सी गायब हो रही है, दाल कितनी पतली हो रही है, ये होती है महंगाई की बात। ये नहीं होती है कि तुम्हारे टाइम में इन्फ्लेशन इतना था, अरे साहब थाली में इन्फ्लेशन ऐसे नहीं पड़ोसा जाता, 7.5, 4.6 थाली में रोटियां जाती है, उसके नजरिए से इन्फ्लेशन को देखना होगा। अब आइए सर किसान की बात करें, किसान आंदोलन हुआ, आप खुद उस पृष्ठभूमि से आते हैं, मैं तो साफ तौर पे कहूं सर, किसान की चर्चा गाहे बगाहे सिर्फ इसलिए होती है कि देश को यह एहसास रहे कि अभी भी यह मूलतः कृषि प्रधान देश है, अन्यथा कृषक किसान जिस देश में कल कई लोगों ने आत्महत्या के आंकड़े दिए, वैसे बहुत अंक देखने से, क्योंकि यह सरकार आंकड़ा प्रबंधन में माहिर है सर, जो वाला आंकड़ा पसंद आता है वो ले लेती है, बाकी कहती है तो गलत है, ये तो हमें बदनाम करने की साजिश है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मैं मानता हूं कि आप आंकड़ा प्रबंधन में MBA का कोर्स शुरू कर सकते हैं। मैं सर सर इतना कहना चाहूंगा कि हर दो घंटे किसान आत्महत्या करता है सर। अब आइए सर बेरोजगारी की बात करें, बहुत फिर भी मैं कहूंगा अगर आज के दिन मैं वित्त मंत्री जी या माननीय सभापति महोदय आप, अगर हम 20-22 की उम्र में होते, बेरोजगार होते, हमारी चिंता क्या होती सर? रोजगार ना, नौकरी ना, लंबी चौड़ी मस्जिद मंदिर, सर ये रोजगार का पर्याय नहीं हो सकता, ये रोजगार का कतई पर्याय नहीं हो सकता है। मेरी आस्था मेरा धर्म है, लेकिन मेरी जिंदगी चलेगी रोजी रोटी से, उसके लिए क्या व्यवस्था की है? और मैं तो जानबूझ के सर वो 2 करोड़ वाले में जाना ही नहीं चाहता, मैं भुला दे रहा हूं, बिसरा दे रहा हूं, क्योंकि वो दर्द देता है। मैं तो ये देखना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय कि रोजगार को लेकर आपका ब्लूप्रिंट क्या है। मुझे बेहद अच्छा लगा बिहार से जो हवा चली उसके बाद यहां भी नौकरियों के पत्र बंटने लगे, लेकिन सर उसकी निरंतरता बढ़नी चाहिए। युवा राष्ट्र को रोजगार चाहिए सर, व्हाट्सएप पर फेक इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए। सो रियर व्यू मिरर में ये 3-4 चीजें मैंने दिखाई, और मैं अब आपको आता हूं मनरेगा को लेकर के, मेरी साथी बहुत बोल चुकी है, मैं नहीं बोलना चाहता। मनरेगा ने आपके लिए सेफ्टी नेट का काम किया है, आपके पास यू हैड नो सेफ्टी नेट, यू यूज मनरेगा एज ए सेफ्टी नेट, सो ब्रॉडन द होराइजन ऑफ दिस सेफ्टी नेट। उसमें मजदूरी न्यूनतम सुप्रीम कोर्ट का आ गया है, उससे बढ़ाइए, शहरी इलाकों में भी वो इंप्लॉयमेंट देने की कोशिश करिए, ताकि मनरेगा अगर सेफ्टी नेट है तो आप उसका भरपूर फायदा उठाइए, मैं ये कहना चाहता हूं सर। सर एक चीज कहना चाहूंगा, एक मुझे लगता है ये टाइपिंग है सर, बस टाइपिंग है सर, आज आप पहली बार बैठे हैं।
There are two speakers from sir, your I party. Sir, I know, sir. And 3 minutes left for sir, both. Sir, अभी नहीं सर. Sir, दो मिनट का मौका दे दीजिए. आप पहली बार सर इतनी तो नजरें इनायत करिए. सर ये देखिए कोई वोटिंग भी नहीं हो रही है, इसलिए हमको दे दीजिए दो मिनट. सर, एक माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री का रिस्पांस आया 8 दिसंबर को. मैं माननीय मंत्री साहिबा से आग्रह करूंगा, देख लें. ये चौंकाने वाली रिपोर्ट है, आप सब सदमे में आ जाएंगे. ये कहता है कि एलोकेशन हुआ था, पूरा एलोकेशन था 4,681 करोड़, जिसमें अभी तक सर दिसंबर सिर्फ 494 करोड़ खर्च हुए. 3 महीने में 4,000 करोड़ से ज्यादा खर्च होगा. कोई ब्लूप्रिंट है, कोई समझ है? हो सकता है ये टाइपिंग एरर हो. अगर ये टाइपिंग एरर है तो मैं सीधे तौर पर अपनी बात सर, मैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स में हूं, मैं आपके माध्यम से ये कहूंगा कि सर अब मैं बिहार के लिए जाता हूं. सर अभी इकोनॉमिस्ट में एक रिपोर्ट आई थी, मैं टेबल पर लेकर आऊंगा. उसने कहा क्षेत्रीय असंतुलन का एक आलम यह है कि गोवा और बिहार की कल्पना करें तो सदर्न यूरोप और सब सहारन अफ्रीका वाली बात हो जाती है. उसका मैं उदाहरण दूसरे तरह से दूंगी. द एवरेज गोवन इज 10 टाइम्स रिचर देन द एवरेज बिहारी. नाउ इट वॉज नॉट ऑलवेज सो. फ्यू ईयर्स बैक इट वॉज द डिफरेंस ऑफ ओनली 5 टाइम्स. तो 5 से 10 बढ़ा दिया सर. सो स्पेशल असिस्टेंस टू बिहार सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, उसमें स्टेट को सर 55% तक जाना पड़ता है. क्या हो गया है केंद्र को कि जहां डबल नहीं रहेगा वहां ट्रबल होगा? ये चिंता का विषय होना चाहिए था सर. सीएसएस को जब नीति आयोग बना तो 64 से घटा के सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम को 24 कर दिया गया. अब ये फिर 100 कर दिया गया. और नाम की कमी नहीं है, प्रधानमंत्री फलाना योजना, प्रधानमंत्री चिलाना योजना, प्रधानमंत्री ढमकाना योजना. लेकिन राज्यों पे बोझ बढ़ता जा रहा है सर, उसकी चिंता होनी चाहिए. बिहार के स्पेशल स्टेटस के लिए कई दफा बात हुई है सर. आप आधा मिनट दे दीजिए, 30 सेकंड सर. सर सर सौ सौ प्लीज 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 नो क्रॉस टॉक. मैं माननीय सदस्य नो क्रॉस टॉक, नो क्रॉस टॉक, ये उचित नहीं है. कंक्लूड ऑनरेबल मेंबर, प्लीज कंक्लूड. सर एक मिनट सर, वन नेशन वन स्पेशल स्टेटस की मांग हम ही ने नहीं की है, सबने मिलकर कई दफा की है. खैर एनीवे सर, स्टैंडिंग कमिटी की रिपोर्ट है मैम, जिसमें कहा गया है कि वन नेशन वन टैरिफ होना चाहिए. सबसे महंगी बिजली हम खरीदते हैं और स्थिति यह है कि हमारे यहां जो पेंडिंग इश्यूज है जो आपके समक्ष रख रहा हूं, आप रिजॉल्व कर सकती हैं. नॉन रिसिप्ट ऑफ ग्रांट फॉर मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, नेशनल सिल्टेशन पॉलिसी इज पेंडिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाई डैम इन कोसी रिवर इन नेपाल इज स्टिल पेंडिंग, एंड फाइनली इंक्रीजिंग सीलिंग फॉर नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज अंडर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, एंड आई थिंक दीज आर ट्रबल सब. सो फाइनली With before I say Jai Hind and thank you to you and to the house for normally listening to me, my position, it's important. So I just wish to say that because this is a council of states and these are rare occasions when we can reach out to the honorable minister and convey our feelings, let's hope it gets resolved. Jai Hind sir.